कटिहार कारागार में सजा काट रहे एक कैदी की उपचार के दरमियान पूर्णिया के सदर अस्पताल में मौत हो गई। कैदी पर डकैती का आरोप था और करीब 3 माह से जेल में बंद था। इसी बीच बीमार पड़ गया और उपचार के दरमियान उसकी पूर्णिया के सदर अस्पताल में मौत हो गई। कैदी का नाम मोहम्मद यूसुफ बताया गया। परिजनों का आरोप था कि जेल में उपचार में भारी लापरवाही बरती गई है और उसके बाद सदर अस्पताल में भी उपचार ठीक से नहीं किया गया। लालपुर वारसोई निवासी मोहम्मद यूसुफ के साथ और भी 8 लोग जेल में सजा काट रहे हैं। बताया गया कि मृतक यूसुफ पर गांव के ही कुछ लोगों ने डकैती का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ समेत 8 लोगों को सजा सुना दी थी। और इसी दरमियान मोहम्मद यूसुफ 3 माह से कटिहार जेल में बंद था और बीमार पड़ने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु वहाँ भी ठीक से उपचार नहीं हुआ और उसके बाद पूर्णिया के सदर अस्पताल में लाया गया और यहाँ भी उपचार ठीक नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई। सजा काट रहा था कहाँ? कटिहार जेल में। कटिहार जेल में 3 महीने का था। इसमें लापरवाही कर दिया जेल के अंदर, कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, चाय पीने वाला आदमी खिलाया नहीं, इंजेक्शन रोज देता था, 1 से 2 नहीं, कुछ नहीं, दवाई उवाई कुछ नहीं, कोई भी मर जाएगा, अच्छा आदमी भी मर जाएगा। यहाँ लापरवाही और कर दिया था, और कुछ नहीं मिला। पहले कटिहार में इलाज नहीं हुआ था? कटिहार में इलाज हुआ था, इसी अंदर ही अंदर इलाज कर रहा था, बता ही नहीं रहा था, वहाँ से भेज दिया यहाँ। हालत खचा, इलाज ही नहीं किया तो क्या बचेगा? कुछ इलाज ही नहीं किया, रोज इंजेक्शन, एक इंजेक्शन से कुछ होता? कुछ नहीं होता, दवाई ववाई कुछ नहीं देता था, ऐसे ही बस। तो वहाँ आप लोग जेल में शिकायत नहीं करते थे कि हाँ तबीयत खराब है तो आप देखिए कम से कम? कुछ नहीं ध्यान देता, इतना बोलते थे, आते थे, बोल के जाते थे, कुछ नहीं, ऐसे ही बस, ऐसे ही रह गए सब।